अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर रायपुर से ही हमें मिल रही है। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया गया है, युवाओं को रोजगार देने के लिए अगले 5 साल लाखों युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 12 से 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। सीएम भूपेश रोजगार मिशन के अध्यक्ष हैं। अधिकारी सभी विभागों के साथ समन्वय करेंगे। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया गया है, युवाओं को रोजगार देने के लिए इस मिशन का गठन किया गया है। अगले 5 साल लाखों युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 12 लाख से लेकर 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का सरकार का लक्ष्य है। सीएम भूपेश रोजगार मिशन के अध्यक्ष होंगे। अधिकारी सभी विभागों के साथ समन्वय करेंगे। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता भूजेंद्र का। भूजेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भूजेंद्र, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया गया है, काफी कुछ दिन पहले ही जो है सवाल उठाए जा रहे थे युवाओं के रोजगार को लेकर बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं उन सवालों का जवाब दे रही है सरकार। जी कुरम, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में अभी बेरोजगारी का मुद्दा चरम पे था। भाजपा उसको मुद्दा बना रही थी कि छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक आंकड़ा पेश किया था कि आंकड़े में कहा गया था पिछले 3 सालों में हमने छत्तीसगढ़ में 5 लाख युवाओं को बेरोजगारों को रोजगार दिया है, जिसको लेकर भाजपा ने छत्तीसगढ़ सरकार को आड़े हाथों लिया था और ट्वीट करके डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल को घेरने का काम किया था। उसी के चलते अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रोजगार मिशन के तहत छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया कि उसके अध्यक्ष खुद भूपेश बघेल होंगे और लगभग 12 से 15 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए आगामी 5 सालों में रोजगार देने के लिए मिशन का गठन किया गया है। तो निश्चित तौर पर इसका छत्तीसगढ़ के युवाओं को लाभ होगा और फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ राजनीति टिकी हुई है रोजगार को लेकर, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का मामला जो था वो बढ़ रहा था। बीजेपी इसको आड़े हाथ लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी फिलहाल, और ये एक कदम की तरफ से बढ़ाएगा तो 12 से 15 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा की करके जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राष्ट्रीय जो रोजगार मिशन है उसकी शुभारंभ अब छत्तीसगढ़ में कर दी गई, आगामी 5 सालों तक इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी और 12 से 15 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल भूजेंद्र, जिस तरीके से जो है कह सकते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर भी एक जो है रणनीति बनाई गई है और बीजेपी को भी जो सवाल उठा रही थी बीजेपी उसको भी कोई मौका यहां पर भूपेश सरकार नहीं देना चाहती, लेकिन किस तरीके से जो है पूरा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि देखने में यही आता है बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया जाता है। जी पुनः निश्चित तौर पर आपका कहना एकदम जायज है कि छत्तीसगढ़ में अब कुछ समय बाद यह कह सकते हैं कि 22 महीनों बाद चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में। चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों कमर कसना शुरू कर दी गई, क्योंकि कांग्रेस पिछले चुनाव में किसानों को रिझाकर कर्ज माफी और किसानों के लिए समर्थन मूल्य 2500 रुपए करके अपनी सरकार में आई थी और साथ ही कई तरह के लुभावने वादों को लेकर कांग्रेस सत्ता में आई थी। तो इस बार निश्चित तौर पर बीजेपी भी युवाओं को लेकर, खासतौर पर किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, इन सारी योजनाओं को लेकर छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र तैयार करेंगे। घोषणा पत्र के दम से ही कांग्रेस ने चुनाव जीता था, तो निश्चित तौर पर बीजेपी भी अब समझ गई छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र के जरिए और युवाओं, महिलाओं और किसानों के जरिए ही छत्तीसगढ़ में राज किया जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर अभी काबिज है कांग्रेस की सरकार और मात्र 14 सीटों पर भाजपा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती रहेगी बीजेपी के लिए कि कांग्रेस को कैसे सामना किया जाए। कांग्रेस काफी बड़े मेजोरिटी के साथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में है, तो बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी का मुद्दा छत्तीसगढ़ में काफी चरम में है और महिलाओं का मुद्दा भी काफी चरम में है। साथ ही छत्तीसगढ़ का एक बड़ा वोट बैंक किसानों का वोट बैंक है, तो किसानों को लुभाने के लिए बीजेपी क्या कर सकती है। तो रोज नए नए वादों के साथ बीजेपी कांग्रेस के वादों को घेरने के लिए बीजेपी लगातार कांग्रेस की जो घोषणा थी उनको घेरने का प्रयास कर रही है और इसी के चलते लगातार छत्तीसगढ़ में मेन बुनियादी सुविधाओं को लेकर अब छत्तीसगढ़ में बात हो रही है। वरना नगर निकाय चुनाव के पहले धर्मांतरण और हिंदू मुस्लिम यह दो समुदाय के बीच की बात लगातार छत्तीसगढ़ में चल रही थी, तो उसको उससे हटकर मेन बुनियादी सुविधाओं को लेकर अब छत्तीसगढ़ में राजनीति हो रही है। पुनः
जी बिल्कुल, बुनियादी मुद्दों की तरफ राजनीति जो है हो रही है। भोजन आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल आगामी चुनाव को देखते हुए जो है राजनीति वापस से यही मोड़ आई है, जो बुनियादी मुद्दे उसी को लेकर जनता को लुभाया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जो रोजगार के वादे किए गए हैं, क्या वो वादे पूरे होते हैं या फिर जो युवाओं आज भी बेरोजगार हैं वो आगे भी खाली हाथ ही रहेंगे। सरकार जो है बड़े बड़े वादे तो कर देती है लेकिन वो वादे निभाए नहीं जाते। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इन वादों को पूरा किया